हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या बेहद आम है, आपने इसके बारे में काफी सुना होगा। लेकिन बच्चों में ये समस्या इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनमें हम बड़ों के मुकाबले बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या के कारण, उसके लक्षण, उसके बचाव और उसके उपचार के कई तरीकों के बारे में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बच्चों के पेट में होने वाले कीड़े आखिर होते क्या हैं। ये एक तरह के परजीवी होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर से मिल रहे पोषण को ग्रहण करते हैं और उसी में पलते हैं। ये कीड़े विभिन्न तरीकों से बच्चों के शरीर में घुसकर उनके भोजन से पोषण को खुद ग्रहण करते हैं। अब जान लेते हैं कि पेट के कीड़ों की समस्या किन बच्चों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये जो समस्या है ये उन बच्चों में सबसे ज्यादा होती है जो घुटनों के बल चलते हैं या उससे थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि घुटनों के बल चलने पर या उससे थोड़े बड़े होने पर ये जो बच्चे होते हैं वो ज़मीन पर ज़्यादा खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं। इसलिए ज़मीन से चीज़ें उठाने पर, उनसे खेलने पर ये कीड़ों के संपर्क में आ जाते हैं, उनके अंडों के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे ये संक्रमित हो सकते हैं। माँ का दूध पीने वाले या 6 माह से कम के बच्चों में ये समस्या बहुत कम पाई जाती है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामले होते हैं जिनमें 6 माह से छोटे बच्चों को भी पेट के कीड़े की समस्या हो जाती है। बच्चों के पेट में कीड़े होने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य कारण है वो कुछ इस तरह हैं। इसमें सबसे पहला कारण है कि बच्चे खेलते हुए, दौड़ते भागते हुए, नीचे ज़मीन से चीज़ें उठाते हुए ये ज़मीन के संपर्क में आते हैं, और अगर ज़मीन दूषित है, वहाँ गंदगी है, तो कीड़े इनके शरीर में आ सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषित भोजन या पानी का सेवन करने से भी बच्चे के पेट में कीड़े आ सकते हैं। बच्चों के आसपास अगर साफ सफाई नहीं होगी तो इस कारण भी बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे कच्चा भोजन खाएं या अधपका भोजन खाएं जो अच्छी तरह से पका ना हो, तो उसके कारण भी बच्चों के पेट में कीड़े पहुंच जाते हैं। साफ सफाई की बात करें तो अगर बच्चों के हाथ पैर गंदे हों और वही हाथ वो मुँह में डालें तो उस वजह से भी बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे बच्चे के साथ खेले कूदे जिसके पेट में ऑलरेडी कीड़े हैं तो भी आपके बच्चे को पेट में कीड़े की समस्या हो सकती है। साथ ही अगर वो किसी ऐसे पालतू जानवर के साथ खेल रहा है या किसी भी ऐसे जानवर के साथ संपर्क में है, उसे छू रहा है जिसको ऑलरेडी पेट में कीड़े की समस्या है, तो भी बच्चे को ये समस्या हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े होने की वजह से उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो ये कीड़े बच्चों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अगर इनका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो इस तरह की कुछ परेशानियाँ बच्चों को हो सकती हैं। अगर इन कीड़ों का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो बच्चे के पूरे शरीर को ये संक्रमित कर सकते हैं, यानी कि बच्चे का पूरा शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा ये जो कीड़े हैं ये बच्चे के शरीर में भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का बड़ा हिस्सा ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कुपोषण भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं और उनका इलाज नहीं हो रहा है तो बच्चा सामान्य रूप से बढ़ नहीं पाएगा, उसका अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। वहीं बच्चे के पेट में जब कीड़े होते हैं, अगर वो आंतों तक पहुंच गए तो वो बहुत ज़्यादा अंडे वहां देकर बच्चे के लिए ज़्यादा परेशानी बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद एक हद तक दवाइयों से भी ये कीड़े नहीं निकल पाते। कई सारे गंभीर मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चों का ऑपरेशन करके उनके पेट से कीड़े निकालने पड़ते हैं। बच्चे के पेट में कीड़े होने की वजह से उनकी आंतें जो हैं वो अफेक्ट होती हैं और सही से काम नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से बच्चे के शरीर में पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े होने के लक्षण क्या होते हैं। वैसे तो इसके कुछ खास लक्षण होते नहीं हैं या ये बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं हो जाती कि आपको इसके लक्षण दिखाई दें, लेकिन कुछ मामलों में अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएँ तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जो आपको बच्चों में दिखाई दे सकते हैं। इसमें पहला लक्षण है बच्चे के मल में कीड़े आना, यानी कि अगर आपको बच्चे के मल में यानी कि उसकी पॉटी में कीड़े दिखाई दें तो जाहिर सी बात है कि उसके पेट में कीड़े हैं और आपको इसका जल्दी इलाज कराना चाहिए।
इसके अलावा दूसरा कारण है बच्चे के मुंह से लार टपकना। अगर आप देखें कि आपके बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा लार टपक रहा है तो ये भी बच्चे के पेट में कीड़े होने का एक कारण हो सकता है। इसमें तीसरा लक्षण है बच्चे के मल से ज़्यादा बदबू आना। वैसे आप सभी को पता होगा कि बच्चों के मल से यानी कि उनकी पॉटी से बहुत कम बदबू आती है, लेकिन अगर बच्चे के मल से बहुत तेज़ बदबू आए तो ये बच्चों के पेट में कीड़े होने का एक लक्षण है। पेट के कीड़े का एक लक्षण है कि बच्चे के गुदा में काफ़ी खुजली होती है। जो मादा कीड़े होते हैं वो बच्चे के गुदा के आसपास ही अंडे देते हैं, जिस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। अगर आप देखें कि आपका बच्चा बार बार गुदा के आसपास खुजली कर रहा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। इसमें अगला लक्षण है बच्चे के पेट में दर्द और सूजन होना। ये बहुत ही कॉमन लक्षण है जो देखा जाता है। अगर आपके बच्चे के पेट में आपको सूजन दिखाई दे या बच्चा दर्द की शिकायत करे तो ये बच्चे के पेट में कीड़े होने का एक आम लक्षण माना जाता है। इसी में अगला लक्षण है बच्चे का रात में नींद से बार बार जगना। अगर बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं तो उसका एक लक्षण ये भी होता है कि वो बार बार जगता है, क्योंकि उसके पेट में दर्द होता है, सूजन से उसे परेशानी होती है या गुदा के आसपास उसको बार बार खुजली होगी, जिस वजह से वो बिना भूख लगे बार बार रात में जग जाएगा। बच्चे के पेट में कीड़े होने का एक और लक्षण है कि या तो उसका वजन कम बढ़ेगा या फिर बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि रुक जाएगा। तो अगर आप देखें कि बच्चे के जो वजन है वो रुक गया है या कम बढ़ रहा है तो ये भी उसके पेट में कीड़े होने का एक बेहद आम लक्षण माना जा सकता है। आप उसे डॉक्टर के पास दिखाकर जल्द से जल्द उसकी जांच करवा सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े होने का एक और लक्षण है कि उसे भूख कम लगती है। ऐसा तब होता है जब बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, तो ये जो कीड़े होते हैं ये बच्चे की आंत में ज़्यादा जगह ले लेते हैं, जिस वजह से खाने के लिए बहुत ही कम जगह रहती है और बच्चे को भूख कम लगती है। इसके ठीक विपरीत एक और लक्षण है जो है बच्चे को भूख ज़्यादा लगना। यानी कि अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो ये कीड़े बच्चे के भोजन से पोषक तत्वों को ले लेते हैं, जिस वजह से बच्चे को ज़रूरी पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं, जो ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, सही से पोषण नहीं मिल पाता है और इसी वजह से बच्चे को बार बार भूख लगती है। वहीं इसमें अगला लक्षण है कि बच्चे को ज़्यादा थकावट होने लगेगी। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो जो बच्चे को भोजन से पोषण मिलता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिस वजह से बच्चे को ताकत नहीं मिल पाती है, ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और बच्चा ज़्यादातर थका हुआ महसूस करता है। बच्चों के पेट में कीड़े होने का एक और लक्षण जो देखा जाता है वो ये है कि बार बार गैस बनना। अगर आप देखें कि बच्चे को बार बार गैस की समस्या हो रही है, बार बार उसके शरीर में गैस बन रही है, तो ये भी उसके पेट में कीड़े होने का एक लक्षण हो सकता है। अब देख लेते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या का इलाज क्या है। वैसे तो अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर उसकी उचित जांच करके दवाई देंगे। और अगर बच्चा एक साल से छोटा है तो कहा जाता है कि उसे पेट में कीड़ों की दवाई नहीं दी जाती है, इसलिए डॉक्टर सिरप देंगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप बिना डॉक्टर के पूछे बच्चे को कोई भी दवाई ना दें, चाहे वो एक साल से छोटा हो चाहे एक साल से बड़ा हो। आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं और वही उसका उचित जांच करके सही इलाज की सलाह देंगे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए आप कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। इसमें सबसे पहला उपचार है कच्चा पपीता। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो ये जो कच्चा पपीता है इसमें एक पपाइन नाम का एंजाइम होता है जो बच्चे के पेट से कीड़ों को दूर कर लेता है। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आप एक गिलास गर्म दूध में कच्चे पपीते को घिस कर एक चम्मच पपीता गर्म दूध में डाल दें और इसे बच्चे को खाली पेट दें, इससे बच्चे के पेट के कीड़े साफ हो जाएंगे। इसके अलावा आप एक गिलास गर्म दूध में जो पपीते के बीज हैं उन्हें पीस कर पेस्ट बनाकर भी एक चम्मच एक गिलास गर्म दूध में डालकर बच्चे को दे सकते हैं। ये भी बच्चे के पेट से कीड़े को दूर करने का एक अच्छा उपाय है। बच्चे के पेट से कीड़े दूर करने का एक और जो अच्छा उपचार है वो है लहसुन का। अगर आपके बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो आप उसे रोज़ सुबह लहसुन खिला सकते हैं। लहसुन की 3 कलियाँ आप कूट कर एक गिलास गर्म दूध में उबाल दें और इसे बच्चे को दें, इससे बच्चे की ये समस्या दूर हो जाएगी। बच्चों के पेट में कीड़े होने का एक इलाज अजवाइन भी है। अगर आप बच्चे को अजवाइन खिलाएंगे तो पेट की कीड़े की समस्या दूर हो सकती है। इसके लिए आप बच्चे को सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुड़ खिलाएं और उसके 15 मिनट बाद पानी में अजवाइन डालकर उसे पिलाएं।
ये तरीका बच्चे के पेट से कीड़े की समस्या को दूर कर सकता है। बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या से उसे कैसे बचाएं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े ना हों, तो चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहला है कि आपको बच्चे के आसपास अपने घर में या घर के आसपास साफ सफाई रखनी है, जिससे बच्चे के पेट में कीड़े ना आ पाएं। इसके साथ ही आप बच्चे का जो डायपर है उसे भी समय समय पर बदलें और बच्चे के कूल्हे को साफ रखें, जिससे वहाँ पर उसके गुदा के आसपास या उसके कूल्हे पर जो कीड़े हैं वो ना पनपें और उनके अंडे भी ना पनपें। छोटे बच्चों में कई तरह की शारीरिक परेशानियाँ या कई अलग बीमारियाँ भी होती रहती हैं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हो जाएं तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका उचित इलाज करवाएं। डॉक्टर आपको सही सलाह देकर बच्चे का सही इलाज करेंगे और उसकी ये समस्या भी दूर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा बच्चे के पेट में कीड़े होने की समस्या के बारे में, और इसके बारे में विस्तृत रूप से हमने जाना। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई अन्य वीडियो देखना हो किसी स्पेशल टॉपिक पे या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो देखना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस देख पाएं। थैंक यू। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।